नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ है पायल, जिन्होंने डीयूटी के एग्जाम को क्रैक किया था और सीयूटी में भी इनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाई करी थी, क्या इनका बैकग्राउंड था। तो सबसे पहले पायल, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। तो अपने बारे में थोड़ा बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मेरा नाम पायल जैन है और मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से कंप्लीट किया है और अभी मैं अपनी MSc दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। तो आपने सीयूटी के लिए कब सोचा था कि कब आपको सीयूटी, और उस टाइम पे तो डीयूटी का भी एग्जाम अलग से हो रहा था, तो आपने कब उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? सर मैंने फॉर्म सिर्फ DUET का भरा था, CUET का नहीं भरा था क्योंकि उसमें काफ़ी कंफ्यूजन था, CUCET और CUET। अच्छा, तो मैंने 10 डेज, हाँ तो मैंने लास्ट डे, जिस दिन लास्ट डे एग्जाम फॉर्म डेट थी तो उस दिन मैंने फॉर्म फिलअप किया था और मेरे पास सिर्फ 10 डेज ही थे CUET के लिए। तो तभी मैंने फिर सिलेबस देखा था और चीज़ें जो ग्रेजुएशन में पढ़ी थी उनको रिवाइज करना स्टार्ट किया। फिर उसके तो मैंने सिर्फ PYQs ही अच्छे से सॉल्व किए थे, अच्छा, तो मतलब सीयूटी के लिए तीन से आपने सिर्फ चार बार उसके पीवाई की। प्रीवियस ईयर। यस सर, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे वो मैंने यूट्यूब से, आपके चैनल से, उसके नोट्स वगैरह बना के उसे कंप्लीट किया था। और डीयूटी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, कितना टाइम लग गया था? जैसे आपके टाइम में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिला था, अभी उतना टाइम नहीं यस है, सर, तो आपको क्या लगता है कितने दिन में प्रिपेयर हो सकता है और कैसे तैयार करना चाहिए? सर मैंने जैम की प्रिपरेशन की थी बट जैम में मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा था, तो लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, वहां से थोड़ा आइडिया था ठीक है, ऐसे कौन से तो नाते उसमें हैं? मुझे थोड़ा कम। तो DUET के लिए मैंने 3 मंथ्स प्रिपरेशन की थी और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया था, तो मैं टेस्ट आपके सीरीज वगैरह दी अकॉर्डिंग थी जो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा रोल प्ले कर रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे लास्ट टाइम पे सबके ये पूछते हैं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सी बुक फॉलो करें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक आपने फॉलो करी थी, या फिर आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सफिशियंट है, या कोई स्पेशल बुक जो आपने भी फॉलो करी हो? सर जैसे मैं अपना बताती हूँ तो मैंने तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही सॉल्व किए थे और जो टेस्ट सीरीज जो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स चैनल पे मैं प्रोवाइड करते थे आप, हाँ, तो मैं वो टेस्ट सीरीज, हाँ तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का ये है कि एक अलग से नोटबुक हो, उसमें सारे क्वेश्चंस किए हुए हों और उसके साइड में ही जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा है वो वो लिख लो। चीज़ें वहीं लिखी हुई हों, हाँ, और उसे बार बार रिवाइज करते रहना। तो आपके अकॉर्डिंग बुक की कोई जरूरत नहीं है कि कोई कोई प्रैक्टिस बुक अलग से लाने के लिए? हाँ नहीं, जो ग्रेजुएशन में मैंने अपनी ग्रेजुएशन बुक्स को ही फॉलो किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी वो मैंने एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स चैनल की जो सॉल्यूशन सीरीज थी वहाँ से हाँ, मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो उसमें जैसे आपने क्वेश्चंस कराए थे उसके साथ में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं, वो सारी बहुत अच्छे से लिखवाई थी, तो मैंने अपनी उस कॉपी में प्रीवियस ईयर की उस चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से नोट किया था और उसको मैं रिवाइज करती थी। और आपके जैसे अकॉर्डिंग एक जो आप टॉपिक प्रीवियस ईयर कंप्लीट, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर रहे हो, साथ में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको साइड में लिखते हाँ जाओ, वो, लास्ट टाइम ऐसे रिवीजन करते जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस सर, और अभी जैसे क्या है कि BSc के एग्जाम भी है, साथ में एमएससी हाँ एंट्रेंस का प्रेशर भी, तो दोनों को एक साथ कैसे किया जाए? उस टाइम पे ऐसा लगता है कि BSc का पढ़ेंगे तो CUET वाला छूट जाएगा, CUET का पढ़ेंगे तो BSc मार्क्स नहीं आएंगे, तो ये कैसे मैनेज किया आपने? सर, मैं BSc में क्लासेस रेगुलर अटेंड करती थी तो मुझे BSc में इतना जोर नहीं पड़ा था, पर डेली लास्ट का डेली टाइम वो पे रेगुलर जैसे थोड़ा कर पढ़ना लिया तो पड़ा करती थी। हाँ था। लास्ट टाइम पे थोड़ा प्रेशर तो रहा था बट फिर उसमें भी मैंने प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन, मतलब हर तरफ से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से ही ज्यादा सब ज्यादा कुछ फोकस किया। करा था। और जैसे लास्ट में अभी ऐसा उम्मीद है कि 20-25 दिन ही बचे हैं CUET के एग्जाम के लिए, तो आपने लास्ट टाइम पे क्या कुछ नए टॉपिक्स पढ़े थे, या जो पढ़ लिए थे वो कैसे रिवाइज करे थे, क्या मतलब कोई टेक्निक जो आपको लगता है कि लास्ट टाइम में 20-25 दिन बचे हो तो ऐसे करें तो थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल रहे? सर मैंने हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे तो लास्ट टाइम में मैं उन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करती रहती थी तो अब आपने बात बोली शॉर्ट और नोट, टेस्ट सीरीज तो सभी वगैरह। लोग ये बोलेंगे हमें भी शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो हम चाहेंगे कि आप वो शॉर्ट नोट्स हमें शेयर कर दें ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को भी बता दें, तो वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके लास्ट टाइम पे। बिल्कुल सर, अच्छा और आपको सर, क्या टेस्ट लगता है सीरीज कि काफ़ी बेनिफिशियल थी। आपके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन हाँ करनी चाहिए, तो टेस्ट कि सीरीज उससे में हमारा आपको क्या टाइम लगा था मैनेजमेंट, कि क्या बेनिफिट लगा टेस्ट सीरीज का? सर टेस्ट सीरीज में हर तरीके के क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में आ रहे थे और
और उससे हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, वो सारी चीजें काफी हेल्पफुल रही थी मेरे लिए। मतलब टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बुक के एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने शॉर्ट नोट्स खुद की लैंग्वेज में लिख लो ताकि लास्ट में रिविजन करने में आपके लिए बेनिफिशियल रहे कि। तो कहने का मतलब आपका कंक्लूजन यही निकल गया था कि थोड़ा सा चीजों को कॉम्पैक्ट रखो, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है तो काम हो सकता है। तो अभी आपको क्या लगता है कि किन चीजों की ओर नहीं जाना चाहिए और किन चीजों की ओर जाना चाहिए, जो आपका सजेशन ताकि जो आने वाले स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिले। सर, मेरा यही सजेशन है कि जो टॉपिक्स इजी हैं, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया और लीनियर अलजेब्रा, इन तीनों चीजों को तो नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें बहुत अच्छे से करना चाहिए। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस तो अभी क्या है कि जो जीके के सिलेबस में नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग ओडी और लीनियर है, तो हम इस बार एलपीपी को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको इजी लग रहे हैं, तो इनकी क्या स्ट्रेटेजी आपकी वो बताएं आपको। सर, एलपीपी जो मैंने सीयूईटी में किया था वो 7, मतलब 7 डेज में मेरा कंप्लीट हो गया था। सारे टॉपिक्स जो अपने वीडियोस वगैरह डाले थे, तो उसी हाँ से मैंने नोट्स वगैरह, हाँ, और उससे काफी क्वेश्चंस भी आए थे। हाँ, डायरेक्ट एग्जाम्पल सीधे ही थे उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस थे। हाँ, के, तो उस चीज से होगा। वो सिलेक्टेड पार्ट जो इजी है उनको पहले फोकस किया जाए। हाँ, और हर टॉपिक में हमें जाना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि जैम की तरह हमें उसमें डीप पूरा जाना है, मतलब हमें हर टॉपिक को टच करना है DUET के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। बस यही स्ट्रेटेजी कि ऐसा नहीं कि पूरा घुस रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी सीयूईटी है, डीयूईटी है नहीं, तो सीयूईटी में ऐसा कि आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो 100 क्वेश्चंस करने के लिए टाइम भी इतना ही है, तो क्वेश्चंस ज्यादा डीपली आने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो थ्रू आउट पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और बाकी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर फोकस करें तो बेनिफिशियल आपके अकॉर्डिंग, ये स्ट्रेटजी है। तो अभी हम ये चाहेंगे कि आप कुछ सजेशन दें ताकि वो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी डीयू में एडमिशन लें या जेएनयू में जहाँ इनको जाना है उनको एडमिशन मिले, तो आपका कोई स्पेशल सजेशन इन सबके लिए और बेस्ट विशेष। यस सर, पहले तो जब भी हम पेपर देने जाएं तो हमें एक बार पूरे पेपर को अच्छे से देख लेना चाहिए कि क्या पता हमारा क्वेश्चन लास्ट में हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख के ही हम घबरा गए, नहीं, एक बार पूरे पेपर को थ्रू आउट रीड कर लें कि हमारा क्वेश्चन बाद में है। और मेरे साथ ये सबसे बड़ी गलती हुई थी कि मेरे 22 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट हो रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत कम क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं, तो मैं 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें मैं श्योर नहीं थी और अच्छा मैंने अच्छा वो उसे तुक्के में कर दिए थे। उसमें से तो खैर 2 क्वेश्चन सही हो गए थे, बट 4 क्वेश्चन फिर भी गलत थे, तो बराबर उससे मेरी रैंक पर कम हो गई। तो आपके अकॉर्डिंग ही पेपर नेगेटिव मार्किंग आंसर अवॉइड करें। नेगेटिव अवॉइड करें और मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखें लास्ट में पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने फ्यूचर में आगे अपकमिंग नेट गेट के एग्जाम है उनमें भी यही स्ट्रेटेजी अपना कि उनको भी क्रैक करें, और हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी नेक्स्ट टाइम आपकी तरह वो भी यहीं पे इंटरव्यू फेस करें और वो भी डीयू में जेएनयू में जहाँ पे जाएं एडमिशन लें। तो आगे अगर हमको जरूरत हुई आपसे मिलने की तो हम फिर से आपसे रूबरू हो जाएंगे, तो आपने अपना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपके लिए।